में बढ़ते क्राइम हो या फिर हो चुनावी मुद्दे, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर हो किसानों की समस्या, हर गली हर शहर से कराएंगे आपको रूबरू। प्राइम 80 न्यूज चैनल, हम करेंगे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। प्राइम 18 मीडिया ग्रुप लेकर आ रहा है जनता का पसंदीदा चैनल, अब केवल नेटवर्क पर भी। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेटविजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के बाजारों में कल शुक्रवार जुमे के मद्देनजर अराजक तत्वों से निपटने के लिए हंडिया कोतवाली प्रशासन एवं हंडिया एसडीएम सीओ क्षेत्राधिकारी सभासदों पुलिस बल समेत पैदल मार्च कर एसडीएम रमेश चंद्र मौर्य ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी शांति व्यवस्था को बनाए रखें। हंडिया प्रशासन के साथ अराजक तत्वों से निपटने के लिए अपना सहयोग दें। वहीं हंडिया सीओ ने कहा कि क्षेत्र के लोगों से अपील की कि आप सभी क्षेत्रवासी शांति व्यवस्था बनाते हुए हंडिया प्रशासन का सहयोग करें और जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। होनी है शुक्रवार को जनपद की इस तहसील हंडिया में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम समाज के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आज हम फ्लैग मार्च और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हम बनाए रखेंगे और लोग इसमें धैर्य का परिचय दें और प्रशासन को सहयोग करें। क्या लगता है कि जुमा के नमाज के बाद कोई घटना ऐसी हो सकती है, संभावित है क्या? प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ है, उपद्रवियों और अन्य अवांछनीय तत्वों के साथ सख्ती से निपटेगा। 17 तारीख को जुमा है, जुमा को लेकर आपकी तैयारी क्या है? हमारी जितने भी थाने हैं, जितने भी हमारी चौकियां हैं, हमने मजिस्ट्रेट्स की तैनाती किया है। पर्याप्त पुलिस बल हमको जनपद से मिला है और हम क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, पार्षदों, प्रधानों के साथ सहयोग करके उनके टच में हम हैं और कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को हम सुनिश्चित कराएंगे। शुक्रवार को जुम्मे के नमाज को लेकर क्या तैयारी? देखिए, कल जो जुम्मा है उसको लेकर जो संवेदनशीलता है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज संभ्रांत लोगों के साथ हम लोगों ने पूरा पैदल मार्च किया है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, ताकि जो लोग हैं उनमें विश्वास बहाली की जा सके। हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग निर्दोष हैं या जो लोग इन तरीके शामिल नहीं हैं इस तरह की गतिविधियों में, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और जो अराजक तत्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कतई भी बख्शा नहीं जाएगा।